फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। जाफराबाद थाने की टीम ने दो सातीर चोरों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में चोरी हुए आभूषण सामान बरामद किए। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला की DCP डॉक्टर जोय एन तिर्की ने मीडिया को बताया कि जाफराबाद थाने की टीम ने दो सातीर चोरों को गिरफ्तार किए हैं, जिनकी पहचान पहला राजू सिंह पुत्र धन सिंह भोरा निवासी लोनी उत्तर प्रदेश का, इसकी उम्र 36 वर्ष, दूसरा दीपक मठपाल पुत्र स्वर्गीय हरगोविंद मठपाल निवासी विजय पार्क मोजपुर के रूप में हुई है, इसकी उम्र 41 वर्ष है। इन दोनों को गिरफ्तार किया और एक घर में चोरी का मामला सुलझाया है। उनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी के आभूषण बरामद किए हैं। आरोपी राजू सिंह शिकायतकर्ता का सगा भाई निकला, जिसने आसानी से पैसा कमाने और शराब की लत को पूरा करने के लिए अपने साथी दीपक मठपाल के साथ मिलकर अपराध किया था। आगे DCP ने बताया कि 30 नवंबर को शिकायतकर्ता जीवन सिंह भोरा निवासी आदर्श मोहल्ला मोजपुर ने रिपोर्ट दी थी कि वह और उसकी पत्नी अपने कार्यस्थल पर गए थे और उसकी मां पश्चिम बिहार में उसकी बहन से मिलने गई थी। चूंकि उनके घर पर कोई मौजूद नहीं था, कोई उनके घर में घुस गया और लगभग सोना चांदी कृत्रिम और 5 लाख रुपए के आसपास वह चोरी हो गए, जिसके बाद मामला दर्ज किया था, जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 751/23 धारा 380 IPC के तहत मामला दर्ज किया था। मामले को सुलझाने के लिए एक टीम बनाई गई थी, जो कि जाफराबाद थाने के SHO राम शाह के नेतृत्व में बनी। इस टीम में ASI देवराज सिंह, हेड कांस्टेबल मनवीर कांस्टेबल अमित इस टीम में शामिल थे, जो कि भजनपुरा डिवीजन के ACP के निर्देश पर यह टीम बनी थी। पुलिस टीम ने आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज को स्कैन किया और विश्लेषण किया और स्थानीय स्तर पर तैनात स्रोतों की जानकारी इकट्ठी की गई। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की गई। पुलिस टीम द्वारा उनके संभावित ठिकानों पर कई बार छापेमारी की। उनके निरंतर प्रयासों के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने अपना अपराध कबूल किया और 4 मंगलसूत्र, 3 नाक की अंगूठियां, 3 टीका, 14 बालियां, 8 चूड़ियां, 3 अंगूठियां, 1 जोड़ी चांदी पायल, 8 जोड़ी बिछिया, 8 चांदी के सिक्के बरामद किए। बहरहाल इन दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है।